पूर्वी तट रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी राजाराम ने महासमुंद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद यात्रियों से चर्चा करते हुए उनकी सुविधाओं और समस्या के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां हमेशा नजर आती है, लेकिन उसे समय पर दूर कर लिया जाता है। पूर्वी तट रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी राजाराम ने आज महासमुंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त संबलपुर ए.के. बर्नवाल भी स्टाफ के साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आईजी राजाराम ने यात्रियों से चर्चा करते हुए उनकी सुविधा और समस्याओं पर बातचीत की। साथ ही स्टेशन मास्टर कक्ष, महिला पुरुष प्रतीक्षालय, चिकित्सा सुरक्षा व्यवस्था कक्ष, प्लेटफार्म की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां हमेशा नजर आती है, जिसे दूर कर लिया जाता है और जो अपराध संबंधी समस्याएं हैं उन पर भी काफी अंकुश लग चुका है। इस दौरान महासमुंद रेलवे स्टेशन में व्याप्त तमाम समस्याओं को दूर करने और स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश स्टेशन प्रभारी को दिए। आपको बता दें कि महासमुंद रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता व्यवस्था सहित यात्री सुविधाओं में कमी को लेकर समय समय पर यात्रियों द्वारा शिकायतें सामने आती रही है, किंतु अब रेलवे मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद व्यवस्था सुधारने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि हर जब भी आप निरीक्षण में जाएंगे कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन कमियों को लोग ध्यान में रख करके अपने कार्यों को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो 2019 में अपराध का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है और रेलवे में जो अपराध संबंधी कार्यों को कम करने के प्रति जो कार्य हुए उनमें काफ़ी गति आई है और हर फ्रंट पर आरपीएफ अपना योगदान दे रहा है, चाहे वो रेलवे संपत्ति की चोरी को रोकने का हो, पैसेंजर के सामानों की चोरी की समस्या हो, या नारकोटिक्स के स्मगलिंग की समस्या हो, या औरतों और बच्चों के सुरक्षा की बातें हो, हर चीज़ आरपीएफ अपना अच्छा योगदान दे रहा है। देखिए, वो तो निरंतर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो भी अपराध हमारे यहाँ हो रहे हैं वो उन अपराधों को हम अपराध मुक्त दिशा में ले जाएं। हम सभी की यही एक टारगेट रहती है, एक उद्देश्य रहता है कि अपराध मुक्त रेलवे का हम निर्माण कर पाएं, तो उस दिशा में हम अपने बल सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनका महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।